अच्छा महाराज जी, कुछ समय देंगे आप मुझे? क्या थोड़ा सा कुछ पूछना था यहाँ के बारे में और नाथ संप्रदाय के बारे में। चैनल है ना अपना? हाँ, मैं पिछले साल भी जो है आया था आपके इंटरव्यू के लिए, कह रहा था। हाँ, ये अपने चुनाव की भी खबरें जो है ना सारी चली है। क्या ये भी एक लफड़ा हो गया ये चुनाव वाला? नहीं नहीं, ये मीडिया जो है ना ये बहुत ही वो होने लगी हो, यानी वास्तव में देश की जो पता नहीं कहाँ जा रहा है देश, ये अच्छी चीज को छोड़ करके बुरी चीज में लग गए। महाराज जी बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। वो लेकिन जो है ना, जो 100 में से जो है ना 40% तो जो है क्या नाम सच्चाई की तरफ चल रहे हैं। ना 40 तो चली रहे थी, लेकिन जो 60% है ना जी, जो 60% है, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट की नहीं हम इतना ज्यादा कहेंगे, प्रिंट भी है जो पुराने अखबार है, इनका सबका बाप बना दिया ये, लेकिन यू ढंग से नहीं हो रहा है। आप ये देखो कि मतलब कोई चीज ऐसी है इस पे कोई वायरल हो जाती है, वो झकमरा के प्रिंट मीडिया वालों को, क्या नाम है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वालों को दिखाई पड़ती है, और ऐसी कई खबरें होती है जो दब जाती है वो दिखा के रहती है, यानी मीडिया भी एक ऐसा हो गया, मतलब वो भी ऐसा हो गया जैसे हमारे स्कूल हो रहा है, सरकारी सोशल संस्थान हो रहा है ना, वैसा ही वो हो रहा है, वो भी नाम नहीं ले रहा, वो भी चिढ़ाता है, वो भी ये नाम ज्यादा करो धंधा का थोड़ा दिया सबसे ज्यादा ही करो, सबसे ज्यादा इस पे आज भी बहुत काम किया है, बहुत काम हुआ है। यंत्र था जी, यंत्र था गौरव धंधा, जैसे ये माला है वैसे ही गौरव धंधा एक यंत्र था, और लोग जो है ना जो साधु संत है, यानी सबसे देखो नाथ संप्रदाय के अंदर सबसे बड़ी चीज है ध्यान लगाने का, तो वो ध्यान लगाने के लिए अपना ध्यान जो है एक जगह उसको नियंत्रण करने के लिए, एक जगह उसको स्थिर करने के लिए है, वो गौरव धंधे का यूज करते थे। हाँ, उस यंत्र का यूज करते, उस यंत्र का यूज करते थे, आज भी करते हैं हमारे साधु संतों को, बहुत से मतलब है कम है अभी, मतलब पहले तो क्या है कि प्रत्येक संत के पास में ये चीज मिल जाती थी, लेकिन आज मेरे ख्याल में लाखों संतों के पास में एक से दो संतों के पास मिलेगी ये चीज है। तो ये गौरव धंधा एक यंत्र होता था, अब क्या है कि अब तो हिंदू को गौरव धंधा कह रहे हैं, कुछ भी मतलब बोल दो उसको, कोई भी गलत काम करो गौरव धंधा नाम देते हैं, ना जी आखिर अनैतिक कार्य किसी के पास नहीं है, वो किसी तरह से नहीं है, वो चीज नहीं होता है, इसलिए जो है कि चीज है, मतलब वो क्या है कि जैसे एक नाम कोई जप लिया, यानी जब तक हमारा ध्यान स्थिर नहीं होगा, जब तक हमारे नाम जपने का कोई लाभ नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि हम नाम जप रहे हैं, ध्यान हमारा कहीं जा रहा है, तो ध्यान को नियंत्रित करने के लिए मन हमारा कहीं भटक रहा है, तो मन को ध्यान को एकत्रित करने के लिए, उसको एकाकी करने के लिए वो यंत्र काम आता था, और उसके अंदर शायद संत जो है उसके अंदर लगे रहते थे, तो उनकी ध्यान जो है वो एक जगह टिक जाता था, ये है कारण। मेरे बात हुई थी MN जस्टिस राव है जी, तो उनसे बात हुई थी, उन्होंने कहा कि प्रत्यक्ष रूप से आप हमें दिखा सकते हो क्या? हाँ, बोला प्रमाणित करो, आप दिखाओ हमें। नहीं, प्रमाणित देखो मैं कहता हूँ, प्रमाणित का मतलब यही है कि हमारे नाथ संप्रदाय के जितने भी ग्रंथ है, जितने भी पुस्तकें हैं, उनके अंदर लिखा हुआ है, आप वो ले लीजिए ना, वो दे दीजिए, यदि ये है प्रमाणित, और क्या होगी, आज से जो 60 साल 100 साल पहले की जो पुस्तकें लिखी हुई है उनके अंदर जो चीज की हुई है वो तो माननी पड़ेगी, कहीं किसी किताब में उनका फोटो हो, हाँ माननी पड़ेगी वो चीज, तो क्यों नहीं है,
मैंने बहुत सारे भाई ढूंढने से सारी आप कर रहे हो, हम वीडियो करते हैं आज, हम पे सब पे आ रहा है ना, गूगल पे जाइए आप पे भी गूगल पे सब कुछ आ जाएगा, पर आ जाएगा हां गूगल हां बहुत पानी आ जाएगी, किताबें आ जाएगी, हमारी साबर मंत्रों का वो हो गया, बस चंद लोगों को हो गया साबर मंत्र, हमारे क्या शादी हमारे पास में हमारे साबर मंत्र को कर दिया व्यवसाय काम कर रहे हैं। जब आप ध्यान ही नहीं, ध्यान की पहले देखो कोई भी मंत्र सिद्ध करता है ना पहले ध्यान की सिद्धि होती है, जब तक आपका ध्यान एकाग्र नहीं होगा मंत्र सिद्धि हो ही नहीं सकती आपकी, है पहले तो एकांत की बस चाहिए जगह। यानी देखो ये शब्द है गोरक्षनाथ जी का कि न्याय करो तो चौपटा, न्याय करो तो चौपटा, ज्ञान करो तो दो, भजन करो तो एकला, जान चिड़ी न चुस्के को, समझे क्या? न्याय करो तो चौपटा यानी चौड़े बाजार में 100 आदमियों बीच में न्याय उसी को बोलते हैं, तो 100 आदमी लाख आदमियों का जब बीच में खड़ा होकर के जो न्याय करेंगे ये गलत है ये सही है उसको बोलते हैं न्याय। तो चोपड़ा यानी चौड़े बाजार सरे बाजार, न्याय करो तो चोपड़ा, ज्ञान करो तो दो। अगर आपको कोई ज्ञान की बात करनी है तो दो ही आदमी हो सकते हैं, तीसरा अगर आदमी होगा चौथा आदमी हो तो ज्ञान नहीं हो सकता वहां, वहां टकराव हो सकता है, तर्क हो सकता है, वितर्क हो सकता है, ज्ञान पैदा नहीं हो सकता वहां। और भजन करो तो एकला, जहां चिड़ी ना चुस्के कोई, यानी भजन तभी होगा जहां चिड़ी की आवाज नहीं आएगी। अकेला रूपनाथ महाराज की जय, महाराज जी की वाणी है ये। हाँ मैं पूछ लूंगा। हाँ हाँ पूछो, क्या बना ले रहा मॉडल साहब? हाँ नमस्कार दोस्तों, टैलेंट ऑफ इंडिया से रोहतास सिंह योगी आज आपको लेकर आया है नाहौर हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट गोरख टिल्ला गोगा मेडी स्थान पर, और यहाँ पर महंत ब्रह्मचारी बाल योगी रूपनाथ जी हमारे साथ हैं, और हम जानेंगे कि गोरख टिल्ला स्थान पर क्या क्या आविष्कार यहाँ पे बढ़ोतरी की गई है। और एक चीज और सबसे ज्यादा जो सुनने को मिलती है, जो अनभिज्ञ अनसमझ व्यक्ति और मीडिया वाले जो गोरख धंधा शब्द किसी भी गलत कार्य को बोल देते हैं और उसका साधु संतों पर और नाथ समाज पर और गुरु गोरखनाथ जी के नाम को बदनाम करने की जो बातें चलती रहती हैं उसी पर हम बातें करेंगे आज बाल योगी रूपनाथ जी से। आप आप इसकी रिकॉर्डिंग उसकी इसमें है क्या? हाँ इसमें वायरलेस है, ऐसे वायरलेस इस्टार। रूपनाथ जी गोरख टिल्ला स्थान पर पहले में और अब में कितना अंतर आया है? बोलिए श्री गुरु गोरखनाथ जी महाराज की जय। सर्वप्रथम तो मैं आप आपका शुभ नाम रोहतास सिंह जी योगी, जो आज मेरठ से अपने पूरे परिवार मित्र मंडली के साथ दिल्ली से किसी नाथ योगियों के किसी कार्यक्रम में निसार पधारे, और यहाँ धूणा गोरक्ष टीला श्री शिव अवतार गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की